लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी लोग ये कमेंट करेंगे, भाई जो अपने पुराने वीडियो बनाए हुए बैनर के उसमें जो PLP फाइल नहीं, उसमें जो कुछ अलग फाइल दिख रहा है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको उसी टॉपिक के बारे में आज के इस नए वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखोगे दोस्तों तो आपको जो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और मैं यहाँ पर आपको जो PLP फाइल को ओपन करने का यानी पिक्सल में PLP फाइल ओपन करने का मैं आपको यहाँ पर तीन तरीका बताने वाला हूँ। आप जो यहाँ पर तीन तरीके से यानी कौन कौन सा तरीका है, कैसे आपको यहाँ पर जो अपना PLP फाइल ओपन कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में, ये सारे तरीके को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप जो वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ चलिए दोस्तों टाइम नहीं लगाते, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको जो तीन तरीका है, कौन सा तरीका है, कैसे PLP फाइल को ओपन करना, चलिए वो जान लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ, मेरे आपने जो मतलब पिछले जितने भी सारे वीडियो देखे हैं, अभी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरे पिछले मतलब लगभग 3-4 महीने पहले के जो भी आपने वीडियो देखे हुए हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग कमेंट करें कि भाई आप जो इसमें PLP फाइल दिए हो उसमें PLP फाइल नहीं है, उसमें कुछ अलग फाइल दिखा रहा है। तो चलिए एग्जांपल के मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं उसके लिए अपने जो यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाता हूँ और यहाँ मैंने एक जो फाइल को रखा हुआ है, यहाँ मैं जो डाउनलोड के फोल्डर में ही आ चुका हूँ। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जैसे कुछ लोग डाउनलोड कर रहे हैं, पासवर्ड डाल के फाइल को एक्सटेंड कर ले रहे हैं, तो उसमें उन लोग को जो कुछ इस तरीके से फोल्डर देखने के लिए मिल जा रहा है। जैसे उस फोल्डर पे क्लिक कर रहे हैं तो उनको कुछ इस तरीके से फाइल दिख रहा है। यहाँ पे उनको PLP फाइल का कुछ ऑप्शन है, PLP फाइल का कुछ फोल्डर भी नहीं कुछ फाइल दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो कन्फ्यूज़ हो रहा है कि ये जो PLP फाइल कैसे अपने ऐड करना है अपने पिक्सल में, कैसे क्या करना है, तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और कौन सा दो तरीका वही मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप जो वीडियो के साथ बने रहिए। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरा है ये PLP फाइल नहीं है, ये मेरा जो प्रोजेक्ट फाइल इसको बोलेंगे, यानी कि आपका जो बैनर है उसका जो प्रोजेक्ट फाइल है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट फाइल दोस्तों ये भी PLP फाइल का ही एक काम करेगा एक तरीके से। ये कैसे काम करेगा अपने पिक्सल लैब में, चलिए अभी इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं बाकी का जो भी तरीका है उसको मैं चलिए पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहला तरीका, अपने जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन है आपको उसको ओपन करना है। जैसा आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने जो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको साइड में 3 डॉट का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओपन PLP फाइल करके। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। और यहाँ पे आप देखो तो आपको जो कई सारे PLP दिखाई देंगे, साइड में आपको एक डॉट PLP करके ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको जो उस पर क्लिक कर देना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने गैलरी में आ जाओगे। और यहाँ पे अभी आपको जो उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, यानी जहाँ पे अभी आपका PLP फाइल है यहाँ पे आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखोगे चुनाव पोस्टर डॉट PLP करके दिखा रहा है, मेरा एक PLP है यहाँ पे, ग्राम सभा के नाम से एक मेरा PLP दिखा रहा है यहाँ पे, डॉट PLP करके लिखा गया है। तो आप इस PLP पे जैसे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको जो ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा गया ओपन ओनली करके, यानी आपको जो PLP फाइल अगर आप उसको पिक्सल लैब में ओपन करना है तो यहाँ पे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा जो ऑप्शन मिल जाता है ओपन एंड ऐड करके, यानी आपको जो PLP फाइल है उसको पिक्सल लैब में ऐड भी करना है साथ में ओपन भी करना है। तो यहाँ पे आप जो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आप जो आपको जो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है, यानी ए वाले ऑप्शन को। यहाँ मैं अभी के लिए ए वाले ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास ये PLP फाइल पहले से ही ऐड है। तो यहाँ मैं जो ये पहला वाला ऑप्शन है ओपन ओनली कर, यानी केवल ओपन करके ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने जैसे इस पर क्लिक किया और यहाँ मैं बैक आता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे मेरा जो यहाँ पे पोस्टर मेरे पिक्सल लैब में ओपन हो चुका है, जो भी मेरा पोस्टर है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप जो अपने PLP फाइल को ओपन कर सकते हो, ये रहा पहला तरीका। तो चलिए दोस्तों अभी जान लेते हैं आपका दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरे तरीके से आपको कैसे PLP फाइल को ओपन करना है पिक्सल लैब में। तो दूसरा जो तरीका है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है माई प्रोजेक्ट करके, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा ऑप्शन। तो आपको जो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिस आप सिलेक्ट करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे। और यहाँ पे दोस्तों अभी आपको आने के बाद पता ही क्या करना है, यहाँ पे आपको डॉट PLP के ऑप्शन पे जाना है, जैसे मैंने आपको पहले वाले स्टेप में बताया पहला PLP फाइल ओपन करने का तरीका, बस उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी काम करना है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे जो है एक ग्राम सभा वाला ए वाला ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हमें ग्राम सभा वाला सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे भी मैं ओपन ओनली का ही ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे देखो मेरा PLP फाइल ओपन हो चुका है। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे चलिए उसके ऊपर वाला जो ए वाला चुनाव पोस्टर वाला है इसको मैं सिलेक्ट करके ओपन ओनली करता हूँ। तो ए भी मेरा पोस्टर यहाँ पे ओपन हो चुका है, देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप जो यहाँ पे दो तरीका हो गया आपका PLP फाइल ओपन करने का। चलिए अभी तीसरा तरीका जान लेते हैं, जो आपने मेरे पिछले 3-4 महीने पिछले वीडियो आपने देखा हुआ है, तो उसमें जो PLP फाइल आपको नहीं कुछ प्रोजेक्ट फाइल टाइप का आपको फाइल मिलता है,
तो उसको यहाँ पे कैसे ऐड करना है चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए सबसे पहला काम करना है यहाँ पे आपको जो अपने फाइल मैनेजर है आपको उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे आप उसको ओपन करोगे तो आपको जो फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जैसे आप इसके होम पेज पर आओगे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको फ़ोन स्टोरेज का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करते ही आप अपने यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर अभी आपके फ़ोन में जितने भी सारे फोल्डर होंगे सारे फोल्डर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आपको उस फोल्डर में जाना है यानी कि आपको जो पिक्सल लाइव का फोल्डर है आपको उस फोल्डर में जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एरा मेरा पिक्सल लाइव का फोल्डर, चलिए यहाँ पर जो इस फोल्डर पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो पिक्सल लाइव में जो भी आपने फोटो सेव किया रहेगा जो भी आपने कुछ सेव किया रहेगा प्रोजेक्ट फाइल वो सारा कुछ यहाँ पर आपको जो भी सारा दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आपको करने का यहाँ पर देखोगे तो आपको जो ऊपर सबसे ऊपर एक प्रीसेट करके ऑप्शन मिलता है प्रीसेट करके। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे आप कुछ इस तरह फाइल मिलेंगे यानी कि जो भी फाइल आपने पीएलपी फाइल जो भी पीएलपी फाइल आपने अपने पिक्सल लाइव में सेव किया हुआ है ऐड किया हुआ है वही पीएलपी फाइल सारा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देख सकते हो दोस्तों देख सकते हो सारा पीएलपी फाइल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये जो पीएलपी फाइल मैंने अभी ऐड किया हुआ है मेरा यहाँ पे अभी आ चुका है, इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ सिलेक्ट करके इसको क्योंकि मुझे इसका काम नहीं है, मेरे पास पहले से पिक्सल लाइव में ऐड है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको फाइल दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप जो मेरे प्रोजेक्ट वाला फाइल है यानी जो मैं प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो मेरा जो प्रोजेक्ट फाइल है तो वो जो आपका फाइल है जहाँ पे भी आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ मैं डाउनलोड के फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मेरा इसमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको जो इसके एक वाला फोल्डर इसको आपको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको आप कॉपी भी कर सकते हो या इसको आप मूव डायरेक्ट मूव भी कर सकते हो। तो यहाँ मैं अभी के लिए जो इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आपको फ़ोन स्टोरेज में जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपको पिक्सल लाइव का जो फोल्डर उसको सेलेक्ट करना है। जैसा आप सेलेक्ट करोगे आपके सामने तीन फोल्डर दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको प्रीसेट वाला जो फोल्डर है आपको उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कॉपी टू हेयर कर देना है। अगर आप यहाँ पे मूव करोगे तो यहाँ पे आपको मूव टू हेयर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मेरा अभी कॉपी टू हेयर का ऑप्शन मिल रहा है तो मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो रिप्लेस फोल्डर करके यानी कि ये जो मेरा पीएलपी फाइल यहाँ पे पहले से ही ऐड है। अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो मेरा यहाँ पे दोबारा जो ऐड हो जाएगा यानी जो मेरा पहले वाला फाइल है उसके जगह पे मेरा ये जो दूसरा वाला फाइल ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐड करने से पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ इसमें मैं कोई और नाम डाल देता हूँ जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं डाउनलोड के फोल्डर में आता हूँ, ये रहा मेरा फोल्डर, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं रीनेम के ऑप्शन भी आता हूँ। यहाँ पर मैं इसका जो कुछ नाम आगे और डाल देता हूँ जैसे एग्जाम्पल के लिए ए नाम और मैं डन करके ओके कर देता हूँ। और अभी मैं इसी फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ मैं कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोन स्टोरेज को सिलेक्ट करके पिक्सल लैब में जाता हूँ और यहाँ मैं प्रीसेट के ऑप्शन पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं कॉपी टू हेयर के ऑप्शन जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा जो कॉपी हो चुका है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे दोस्तों अभी आपको इतना ही काम करना है और यहाँ पे अभी आप जैसे अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन आपका अगर आपका बैकग्राउंड में चालू रहेगा तो उसको पहले आपको हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पे आपको वापस से जो अपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है, यहाँ पे आपको इसको कैंसिल करना है और कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आप जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये जो माय प्रोजेक्ट का ऑप्शन है इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों अभी मैंने जो आपको फाइल फोल्डर चेंज करके दिखाया सब कुछ चेंज करके दिखाया उसको मैंने यहाँ पे देख सकते हो ऐड हो चुका है मेरा यहाँ पे देख सकते हो। तो मेरा जो तीन महीने का पहले या चार महीने का पहले जो भी मेरा वीडियो बना हुआ है आपको उसमें कुछ इसी तरीके का मिलेगा यानी कि उसमें आपको जो पीएलपी फाइल नहीं दोस्तों उसमें आपको प्रोजेक्ट फाइल मिलता है तो आपको जो उसको कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ये सब के लिए दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, साथ से आप लोगों ने नहीं दिखा हुआ तो इसलिए आप लोग जो बार बार कमेंट कर रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा चलिए इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दिया जाए। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बना दिया लगभग आपको ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी के लिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहो ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।